नमस्कार दोस्तों, कैच लाइफ विद राखी में स्वागत है आप सभी लोगों का। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज आप लोगों को लेके चल रही हूँ अपनी छत पर, वो तो आपको वहीं जाके पता चलेगा कि मैं वहाँ पर क्यों लेकर आई हूँ आपको। और आपके साथ मैं आज एक शेयर करूँगी छोटी सी स्प्राउट्स की रेसिपी। स्प्राउट्स की रेसिपी तो ये कॉमन है, सभी लोग स्प्राउट्स बनाते हैं, खाते हैं, तो वही मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये है प्रोटीन्स और विटामिन और मिनरल्स से भरपूर। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को लेकर आई हूँ अपनी छत पर और दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या गमलों में लगा रखा है। जो बीज मैंने लगाए थे उसमें से कौन कौन से पौधे निकल कर आए हैं, तो चलो आज आपको दिखाती हूँ। ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, इसमें देखो कलियाँ भी आ रही हैं काफ़ी सारी। और ये है गिलोय, और इस गिलोय के बैग में आप ये देखो, ये अपराजिता, हर जगह जगह अपराजिता के पौधे हो गए हैं। और इधर ये बोगनवेलिया जो मैंने लगाया था, इसमें कितनी सारी पत्तियां भी आ गई हैं। और यहाँ पर ये हो रही है लौकी, और ये जो मैंने भिंडी लगा दी थी ये भिंडी भी हो गई है, और जगह जगह लौकी भी इसमें हो गई है। ये मैं लेकर आई थी, अभी मैंने लगाया नहीं है गमले में, इसको मैंने इस बैग में रख रखा है देखो। और ये है अमरूद का पौधा लेकर आई थी मैं, और ये अमरूद है, इसमें अमरूद भी आ रहे हैं। और ये है मेरी तुलसा, आप देखो कितनी अच्छी हो रही है, घनी हो गई है बहुत ज्यादा। और इधर आएंगे तो ये है लाल चौलाई। ये लाल चौलाई के बीज जो है पता नहीं कब से गमलों में अपने आप ही होती जा रही है। मैंने इसको मतलब कि जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तब मैंने ये बीज डाले थे, उसके बाद मैंने कई बार तोड़ के लगा भी ली, और इनके बीज बन जाते हैं और ये गमलों में भी गिर जाते हैं। और ये देखो कितने हेल्दी पत्ते हो रहे हैं। यहाँ पर हो रहा है टमाटर, और ये पालक भी जगह जगह हो रहा है, और ये गेंदे के बीज भी मैंने डाल रखे थे, तो इसमें सब हो रहे हैं। और यहाँ पर ये भिंडी, ये भी लाल चौलाई, और ये है करेला, और ये जुकनी है, आप देखो कितने हेल्दी प्लांट हो गया ये जुकनी का। और ये मैंने फर्स्ट टाइम लगाई है, पहले कभी नहीं लगाई। और ये इसमें देखो अब आ भी रहे हैं, अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है। और ये मैं इसको बांध दूंगी ऊपर। और यहाँ पर है ये शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च का पौधा है, और इसमें इतनी सारी फूल आ रहे हैं, हर जगह फूल ही फूल हैं, ये देखो आप खूब फूल हैं, और बहुत हेल्दी प्लांट हो रहे हैं, और बहुत छोटा सा ये प्लांट है। और ये देखो इसमें कितनी सारी कलियां आ गई हैं। और यहाँ पर ये हो रही है भिंडी, और यहाँ पर ये प्याज, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये जगह जगह आप ये देख रहे हैं ये कुल्फा है, ये हर गमले में हो रहा है, हर गमले में। और मैं इसकी सब्जियां भी बनाती हूँ, बेसिकली ये होता जंगली है, और इसकी सब्जी जो है जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये मैं तो बल्कि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, बस एक छोटा बेटा ही नहीं खाता है। और ये हरे प्याज बस अभी लगाई हैं ये मैंने, कुछ ही दिन हुए हैं और अच्छी हो गई हैं ये सारे में। और ये मेरा मिर्च का पेड़ है, इसमें मिर्च आ भी रही है। और यहाँ पर मैंने इसमें लगाई थी लौकी, लौकी का एक भी बीज हुआ नहीं है इसमें, पता नहीं क्यों नहीं हुआ है, तो मैंने इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया है। और यहाँ पे है ये तोरी, सब में तोरी तोरी लगा रखी है मैंने। और ये मैंने जो ग्रोइंग बैग हैं आप ये देख रहे हैं, ये मैंने खुद ही बना रखे हैं, ये खुद ही बना रखे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। और यहाँ पर लगा रखी है मैंने भिंडी, और ये है मिंट, और ये एक तुलसा जी का पौधा है, ये भी अच्छा हो गया। और यहाँ पर है तोरी, और ये मिर्च,
और यहाँ पर है ये ब्रिंजल, और इसमें देखो ब्रिंजल आ भी रहा है यहाँ पर, ये छोटा सा मैं अगर आपको दिख रहा होगा तो आ भी रहा है, और बहुत हेल्दी प्लांट हो रहा है ये। और इसमें देखो सारे में कुल्फा कुल्फा है, और यहाँ पर भी ये कैप्सिकम और ब्रिंजल है। और ये पता नहीं अपने आप ही इसमें हो गई थी, मैंने इसको निकाला ही नहीं, और ये इससे पूरा गमला भर गया। देखो कितनी सुंदर हो रही है, और छोटे छोटे से इसमें ये पिंक फ्लावर्स हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। पूरी ये बास्केट बनके तैयार हो गई, और इसमें भी लाल चौलाई हो रही है, तोरी हो रही है, ये देखो हर जगह लाल चौलाई अपने आप ही हो गई है। और यहाँ पर हो रही है भिंडी और ब्रिंजल, इसमें भी ब्रिंजल हो रहा है, भिंडी हो रही है, यहाँ पे भी लाल चौलाई और लौकी, और ये है करेला, करेले की बेल हो गई, और ये यहाँ पर इसमें नींबू भी लगा हुआ है, और आप देखो इसमें एक छोटा सा नींबू आ भी रहा है, छोटा सा इसमें एक नींबू भी आ रहा है। और ये है अपराजिता, ये सारे गमलों में इसके बीज हो गए, और ये अपराजिता सारे गमलों में हो रखी है, और ये टमाटो, और इसमें भी हरा प्याज हो रहा है, और ये अपराजिता हो रही है। तो इस तरीके से सारे गमलों में मैंने जो बीज लगाए थे उनमें सब में पौधे निकल के आ गए। ये पूरी मिट्टी डाल रखी है, इसी में जितने भी ये गत्ते वगैरह हैं सब डाल रखे हैं। ये अभी खुले में छोड़ रखा है, इसको बाद में मैं बैग में भर के रख दूंगी जब ये तैयार हो जाएगी। एक दिन पहले मैंने साबुत मूंग की दाल को अच्छी तरीके से भिगा लिया था, और उसका पानी ड्रेन करने के बाद मैंने स्प्राउट मेकर में इसको डाल दिया, और देखिए कितने अच्छे स्प्राउट्स बनके तैयार हो गए। आप कोई भी साबुत दाल ले सकते हैं, छोले, काले चने, राजमा, मोट दाल, कोई भी दाल आप इसमें जो कि साबुत है ले सकते हैं, उसका स्प्राउट्स बना सकते हैं। आप इसमें 2 या 3 चम्मच गेहूं की भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्राउट्स बन जाएंगे, और वो बच्चों की आंखों के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी हैं। इधर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं जिनको छील कर बारीक काट लिया है, 1 बड़ा टमाटर है जिसको काट लिया, इधर मैंने लिया है नमक, चाट मसाला और अमचूर पाउडर। अब मैं लाल मिर्च नहीं खाती हूँ तो इसमें लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ। इधर 2 बड़े नींबू जिसका रस निकाल लिया है, और 1 बड़ा प्याज है जो काट रखा है। जिस नींबू का मैंने रस निकाला है इनको मैं सुखा लूँगी, फेंकूँगी नहीं, और ग्राइंड करके बर्तन धोने के काम में ले आऊँगी। मैं किसी भी चीज़ को नहीं फेंकती हूँ, उसका पूरा यूज़ कर लेती हूँ। इधर मैंने टमाटर, प्याज, आलू इसमें डाल लिए हैं, और अच्छी तरीके से मैं इसे मिक्स कर दूंगी। सारे मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और नींबू का रस भी मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करिए, और ये तैयार हो गई सर्विंग के लिए, और ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है। अगर कभी लंच बनाने का मन ना हो और इसको ही अगर आप बाउल भर के खा लेते हैं तो ये बहुत हेल्दी होती है, आपको बहुत कैलोरीज इससे मिल जाती हैं। तो बस इस तरीके से मैंने ये स्प्राउट्स बनाए, और अब मैं इसको बैठ के खाऊंगी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा रूफ गार्डन और वेजिटेबल्स बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।